आज खींवसर के उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रेवतराम जी डांगा के समर्थन में इस नामांकन सभा में हमारे बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब, दिल्ली में केंद्र सरकार में मंत्री जो आज हमारे बीच में पधारे हैं, और जैसे कि पहले बोला कि माँ का पावन औरू है एन का गजेंद्र जी शेखावत साहब, साथ में बहुत से देखो आज इतनी भरी पूरी सरकार हमारे बीच में बैठी है, के बिश्नोई साहब मंत्री जी हमारे बीच में, जाबर सिंह जी खर्रा साहब हैं, और उसके बाद सी आर चौधरी साहब हैं, सुरेश रावत जी जो यहाँ पे प्रभारी भी हैं, हमारे स्थानीय यहाँ की मंजू जी बागमार जी, विजय सिंह जी, बाबू सिंह जी साहब, अजय जी किलक साहब, पांच बार विधायक, पांच बार है ना सर जोगेश्वर जी साहब, पांचवी बार विधायक बन करके आने वाले जोगेश्वर जी गर्ग साहब बहुत ही बढ़िया बोलते हैं, शायद आज मौका ना मिले पर कभी ना कभी आपके बीच में आकर के बहुत बढ़िया अपना जरूर कभी भाषण इनका सुनने लायक है, मैंने सुना था परिवर्तन यात्रा में इसलिए मुझे ध्यान है, और लक्ष्मण जी कलरू साहब, और सम्मानित मंच कह दूं मैं, डावड़ा बुरा मत मान जाइए यार, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं नहीं इन्होंने नाम नहीं लिया इसलिए मैं रेवत जी को वोट नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं करोगे। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मेरे सामने विराजमान जनप्रतिनिधिगण, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पदाधिकारीगण, बहुत से लोग यहां पर मेरे को चेहरे दिखाई दे रहे हैं, गांव के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पहले तो आप सब मीडिया के बंधुओं, पहले तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है कि आज आप इतनी सुबह का समय था और फिर भी खींवसर में अमूमन क्योंकि बहुत दूर से आप लोगों को आना पड़ता है तो ज़्यादातर मीटिंग अगर लेट होती है तो सक्सेसफुल होती है, तो आज सबको शंका थी हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे भी दो नामांकन सभाओं में जाना है तो देखो लंबा भाषण नहीं देंगे, कई बारी चक्कर लगेंगे आप लोगों के बीच में, जना खटका तो भी टाइम सुनाए दे मामा, पण बार कहीं है कि थोड़े घंटे तो कह दूँ, मंच की इजाजत हुए जना बोलूँ भाई, बोल दूँ पक्की बात, देखो मगर रेवत जी तो क्या सीधे साधे आदमी है, चुनाव लड़े लाई 2000 वोटों से हार गए, और जिस दिन चुनाव हारे उसी दिन वापस ऐसे लग गए कि बस अब 5 साल तक मैं ऐसे ही दौड़ता रहूंगा, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उपचुनाव हो जाएगा, लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी पूरे टाइम दौड़े, और लोकसभा के चुनाव में भी मामलो थोड़ो करेगो, फिर भी रेवत जी कौन रुकिया, अरे नतीजो कहीं हुए मैं जानो है, अबार मैं सोशल मीडिया में एक पोस्ट देखी माँ के नेताजी कहीं आपने तेजा जी कंफ्यूज कर लियो, जना बाकी जकी स्कॉर्पियो भी को नाम माँ का चमचा जका वे लीलन राख दी के लीलन में MRF का नया टायर लगाया कि भाई टायर इसलिए लगाने पड़ गए कि रेवत जी ने कोई तो मौका नहीं छोड़ा और कोई जागरण नहीं छोड़ा और कोई सवामणि नहीं छोड़ी, इतना रेवत जी घूमे कि नेताजी को पीछे पीछे घूमना पड़ गया, जनता का इतना जुड़ाव है रेवत जी का, और आज आप लोगों की भावनाएं देख करके पता चल रहा है कि भाई माहौल इस बार खींवसर में जोरदार है, जो पिछली बार 2000 वोटों की कमी रही थी उसको मुझे लगता है कम से कम 20,000 वोटों से अब की बार आप पूर्ति करेंगे, सारे नेता आज आपको ये बताने के लिए आए, देखो वोटों की ताकत तो आपके पास में, हमारे में से किसी के पास समान नहीं है, आधोगे तो वोट भी नहीं लगते यहां पे, लेकिन हम सब सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि एक तरफ ऐसी पार्टी है और एक तरफ ऐसे नेता है जिन्होंने हर बार खींवसर नाम नामी है, तेजा जी के नाम से नामी है, खरनाल हमारा यहाँ पे लोक देवता का जो मंदिर है वो नामी है, और इन्होंने बहुत नेतागरी करी इसके नाम पे, कभी ईंटों के मामले में बोल दिया, पहले तो बोला ईंट नकली है, और फिर इन्हीं लोगों के साथ में तालमेल बिठा लिया और हरियाणा तक गए प्रचार करने के लिए, वो बात और है कि हेलीकॉप्टर लेकर के चार जिन विधानसभाओं में गए, चारों के चारों इनके जो कैंडिडेट जिनके समर्थन में गए, जमानतें जब्त हुई थी उनकी, और वो कारण ये है कि जनता समझ गई, और जनता से पहले तो कहीं माँ का नेता समझ गया, बीजेपी का वो और भले कांग्रेस का वो, नेताजी कहीं करता क्या, हर बार एक गठबंधन कर रहा था, कोई चुनाव लड़ो मरे हम ही लड़ो दूजा के हम ही लड़ो, कहीं करता गठबंधन आता, दो पार्टियां मिल भेली उठ चुनाव लड़ती, अब कले कहीं त्रिकोणीय संघर्ष हुई को जना और वही रोचक हुई मुकाबलों में तो कहूं, और ये पहला ऐसा मौका है हम लोगों के बहुत लंबे समय में
जब भारतीय जनता पार्टी आज इतनी मजबूत स्थिति में, केंद्र में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, और हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता, हमारे मंत्री सिर्फ इसी आपको आश्वासन देने के लिए आए हैं कि आज रेवत राम जी अकेले नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की क्या विदेश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और एक पूरी व्यवस्था होती है, एक पूरी सरकार का भार उनके पीछे होगा। जिस दिन आप उनको जिता करके विधानसभा में भेजोगे, हमारे सामने वाले नेताजी कहते हैं कि मैंने विधानसभा में तेजाजी का जयकारा लगा दिया। अरे भाई, आपने तो तेजाजी का जयकारा लगाया है, हमारे रेवा जी को भिजवा दो, ये तो नाच दिखाए दे बटे। अरे कोई आसपास कोई अगर कोई बाज रे के अगर खेत मिल गया तो पूरा बूटा और उफाड़ दे। तो रेवत जी को जोरदार समर्थन दो, आप जिताओ। जिन्होंने पहले बोला परिवारवाद, अरे परिवारवाद, पहली बाई पचे भाई, अरे बे लुगई। और कल हम घर पे बैठे थे, सारे सरपंच आए हुए थे, रेवत जी बैठे थे, तब तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था, तो सब लोग कयास लगा रहे थे कि सर नेताजी ने भाषण दिया है कि अब के बार जहर का घूंट पीना पड़ सकता है। तो सब लोगों को आस बंदी के 2,90,000 वोटर है खीवसर में, भाई अब कल हो सके नेताजी कोई कार्यकर्ता नहीं टिकट दे देवे। जितना में नाम आएगो, कनिका जी को नाम आयो, एंड नाम आयो जना लोग क्यों कि साहब, तो कहता जहर को घूट पीनो पड़ी। मैंने कहा तो नारायण जी ने पायो है, जहर का घूट तो नारायण जी के लिए था जिनको पीना पड़ा। कनिका जी बन के आई, कनिका जी के कल मैंने देखा प्रेस वार्ता हुई, कनिका जी ने बैठ करके प्रेस से संबोधित होते हुए बोला कि मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करूंगी। हमने कहा भाई शुरुआत घर से करो, पहले हमारे नेता जी किसी को तो बख्शा नहीं महिलाओं से बात करने का, चाहे वसुंधरा राजे जी हो, चाहे स्वर्गीय किरण महेश्वरी जी हो, चाहे दिव्या मदेरना और चाहे ज्योति मिर्धा, हम तो खैर रोज ही सुनते हैं। तो पहले तो बोलचाल अपनी भाषा सुधारनी पड़ेगी। वैसे फर्क भी आया है, नेताजी आजकल भाषा अलग बोलते हैं, भाषण सब भी हो गए। अभी परसों आए जब भाषण में क्या कह रहे थे, वहां पे अपने लोगों को इकट्ठा किया, जब बोले भाई हेलमेट लगा के चलना, फंस सकते हो गाड़ियों के, बोले काले शीशे मत करना और कागज पूरे लेकर के चलना, ये बीजेपी की सरकार है, कुछ भी कर सकती है तुम्हारा। लोग भी असमंजस में, बोले यही नेताजी कल को तो कह रहे थे डरो मत मैं फोन करूंगा छूट जाओगे, उन्हीं नेताजी की आज भाषा बदल गई, क्योंकि जो सरकारें हैं वो उनकी रीति नीति समझ गई और जनता उनकी रीति नीति समझ गई। आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग है ग्राउंड पे। खीवसर के लोग चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारा काम हो, अगर हम कहीं जाएं तो कोई हमारी सुनवाई हो। उनको आज भी बरगला रहे हैं, भाषण में क्या बोले कि 13 तक तो वोट पड़ेंगे, दबके रहो थोड़े से, 15 तारीख को कलेक्टर की और एसपी की कुर्सी में वापस अपन ही बैठेंगे। भाई कैसे बैठोगे, राज तो इनका है, खीवसर की एक सीट से राज थोड़ी पलट जाएगा, सत्ता पलट रही है क्या, सत्ता तो बनी हुई है और राज यही रहेगा 4.25 साल तक, काम अपने को यहीं से निकाल लें। और एक और आरोप लगाएंगे कि हमारे रेवत डांगा जी को जातिवाद के रूप में बांटना चाहेंगे। रेवत डांगा जी का मैं कहना चाहूंगी किसान वर्ग के हैं, अपने समाज से आते हैं, किसी को 36 कौम का हमें सहयोग चाहिए जीतने के लिए, और अगर किसी के कोई बढ़त हो तो भाई उनके बट निकालने मत पहुंच जाना। लाई बोला आदमी है, 2 चुनाव लड़ने के, दूसरे चुनाव लड़ रहे, खर्चा भी होता है पहले चुनाव में, चुनाव लड़े हार गए, बहुत थोड़े कम वोटों से हार गए, नींद 2-2 घंटे लेकर के निकाला इन्होंने, काम चला है। तो भाई अब की बार अगर कोई गिले शिकवे छोटे बड़े हो तो मैं कहूंगी कि हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि मैं तो भाई रेवत डांगा जी का नहीं मानती, मैं तो ये मानती हूं ये मेरा ही चुनाव है, ज्योति मिर्धा है यही सोच करके चुनाव लड़ेगी कि वही रेवत डांगा है, और हर एक संभव प्रयास करेंगे कि सब लोग साथ मिलकर के, हमारे नेता साथ मिलकर के, हमारी जनता साथ मिलकर के रेवत डांगा जी को एक जोरदार यहां से जीत दिला करके भेजे, जब तो बात भी बने। और मुख्यमंत्री जी भी मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी, मेरे नामांकन में आप आए थे, हमारे पूरे राजस्थान की एक सबसे ज्वलंत समस्या थी जो आपने किसी ने सामने नहीं रखी थी। मैंने बोला भाटों की ट्रॉलियों से परेशान हो रहे हैं, आपने इशारे में बोला और आज तक कोई परेशान नहीं हो रहा। ये राज के पलके होते हैं, ये राज की ताकत होती है। आज अगर हम कहें, आज हम बोले कि हमारे किसान भाइयों के जो मुआवजा मिलवाना है वो, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप प्रयास करें कि वो जल्दी मिले। यही वो नेताजी है जिन्होंने रेवत डांगा जी दुखी हो गए थे,
पंचायत समिति के प्रधान थे, इनकी पार्टी के नेता थे, और अपने सरपंचों का बड़े नेताओं को कहकर पेमेंट रुकवाया था। कुछ पेमेंट अभी भी बाकी है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उन सरपंचों का इन पंचायत समितियों के अंदर दो दो साल से पेमेंट अटके हुए, उसको भी करवाने का प्रयास करें। और आगे आप लोगों को लंबे भाषण नहीं देकर, क्योंकि और भी नेता बोलना चाहेंगे, मैं आपसे पुनः एक बार हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि भाई अपना चुनाव मान करके लड़ो, ऐसा मौका बाद में नहीं आएगा। बकरी आपके फाटे में आई हुई है, जहर का घूट पी के बैठी हुई है, पीछे रहना मत। रंग बदलने वाले गिरगाटों को सब पहचान चुके हैं, जनता भी पहचान चुकी, पार्टियां भी पहचान चुकी, तो लगे रहो 13 तारीख तक, बिल्कुल मुस्तैदी के साथ लगो। 23 तारीख को ईश्वर ने चाहा तो परिणाम अपने पक्ष में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप इस वक्त यहाँ पर पधारे, रेवत जी के समर्थन में पधारे, हमारी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर, और बोलो भारत माता की। राम राम सर, धन्यवाद ज्योति मिर्जा।